गुड आफ्टरनून ऑल, जय श्री राम, हर महादेव। करते हैं नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो डेली ब्लॉग दोपहर में स्टार्ट हो रहा है क्योंकि टाइम जब मिलता है अभी सब गए हैं। हमने साफ वगैरह किया है, मशीन अपनी अपनी जगह पे, मतलब वो प्लेट वगैरह डंबल वगैरह अपनी जगह पे रख के खाना वाना खा के और थोड़ी लाइट वगैरह बंद करके, क्योंकि थोड़ा सा दोपहर का टाइम चल रहा है प्रॉपर, तो लैंटर वाला ही हीट करने लगता है। तो वैसे भी टीन शेड वाला है बट अपना टीन शेड अलग है। इस चक्कर में हमने पंखे चला के छोड़े हुए हैं, ठीक उधर एसी ऑन करके छोड़ा हुआ है वो, और फैन चल रहा है, बस लाइट बंद कर दी है ताकि टेम्परेचर अच्छा रहे। बाकी प्लेट वगैरह अपनी जगहों पे है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। डंबल हमने यहाँ से सारे साफ़ करके रख दिए हैं, उधर प्लेट प्लेटरी में लगा दिए हैं। खाना खा लिया है और अब निकलेंगे, थोड़ा सा काम है मुझे। बाकी ये देखो फ्रंट वाला एसी चला के छोड़ा हुआ है हमने ताकि टेम्परेचर सही रहे, कोई बाहर से आए तो उसे अजीब सा न लगे अंदर घुसने में। तो दो तीन चीज़ें लेने जानी थी, वो लेने जाने के लिए निकल रहे हैं। बाकी खाना वाना हमने खा लिया है। गया है भाई, निकले अब। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा था तो बाइक स्कूटी राइड पे निकले। भैया के दिमाग में प्लान आया कि काम ना कर रहे कुछ तो थोड़ी सी मार्केटिंग ही कर ले। क्यों भैया, भाई साहब इस लड़के में अलग हिम्मत है, पता ना कहाँ से इतनी हिम्मत लेकर आया है। कहने लगा भैया मार्केटिंग करेंगे, खुद करेंगे, काय की शर्म। मैंने कहा बात तो सही है, मुझे फिर भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, ऐसा ना लग रही। काम में भी शर्म करने लगे तो हो लिया काम। क्या अपने काम में भी शर्म करने लगे तो हो लिया काम। बस की यही बात है, मुझे मोटिवेट कर दे मैं, फिर ये साथ रहे ना थोड़ी मेरी हिम्मत सी बनी रहे, वरना थोड़ा सा अकेला पड़ जा आदमी। इसके बोर्डों पे लगा दूँ अपने, चिपका दूँ सामने ही मानो। हम अब मौसम दे भाई साहब, कैमरे में तो और सही लग रहा है ना। तो अभी हम जा रहे हैं, हमने पढ़ लो कि रोड भाई साहब देना, क्या बढ़िया लग रहे हो रे यार सही में। ये देखो टीचर, एक तो ये रे पर्पल में बोलने वाले थे, पर्पल भी हैं दे रहे रेड के साथ, ये पर्पल वाले भी लग रहे हैं, फोटो बढ़िया आएंगे मानो। मैं वही सोच तो ना कह ही ना अभी तक फोटो भैया फोटो हैं कपड़े बड़े ऐसे। हाँ यही है, अभी हम थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे हैं, दोनों के बाल भी ऐसे हो रहे हैं, दाढ़ी भी ऐसी हो रही है। काम के टाइम पर समझते सर। हाँ ये तो है, काम के टाइम पर बात तो फिर भी मैं थोड़ी सी जींस वींस पहन आया हूँ, वरना रोज़ तो ऐसी कंडीशन रहे, ब्लॉग में भी दिखता होगा। एक टी शर्ट दो दिन चल रही है मानो शर्ट। भाई साहब जिस मेरे साथ ऐसा सीन था, मेरे दोस्तों की पता है बात, एक दिन में मैं दो दो तीन तीन टी शर्ट चेंज कर ले गया, और आज ऐसा सीन है दादी राम राम। और अभी सीन ऐसा चल रहा है कि क्या नाम है, एक ही शर्ट या एक ही टी शर्ट तीन तीन दिन चल रही है। और हम आ लिए, हम लेने आए थे अपने पाइप भाई, अपने पर्दों के लिए ऑर्डर दे रखा था, इसका फ़ोन आया था पाइप ले जाओ अपने। मैंने कहा ओके जी, आ लिए दुकान पर, पहुँच लिए हैं वापस जिम पे। सारे में रूम फ्रेशनर छिड़क दिया, एक रूम फ्रेशनर ले लिया था, बाकी हैंगर वगैरह ले लिए। देख उधर आंधी देख, ओए आंधी देख आने चालू हो गई, इधर भी होगी शुरू। देख भाई सब पेड़ों की हालत, ये देखो होगी चालू, बस उधर देखो दूर। राम राम जी भाई, हालत ख़राब है। सुन इसके नीचे बोरी लगानी पड़ेगी, अब गैप के नीचे इधर बोरिंग हो रहा अपना, बोरिंग भी चालू हो गया। और दूर देख लो, दूर सामने पार्टीशन हो रहा, पूरा पार्टीशन देख रहे हो, एक तरफ क्लियर मौसम एक तरफ दूर। तो जिम बढ़ा दिया अपने, दोनों पे निकल दिया ऑफिस करने के लिए। पहले तो प्लान था गांव में रुकने का, फिर याद आया कपड़े वपड़े तो है ही नहीं अपने, है भाई कपड़े वगैरह तो है नहीं अपने, तो वापस से घर जाने का प्लान बन गया। बाद यही रुक जाते चाची के पास, आनी वगैरह के साथ, वरना वापस घर जा रहे हैं। सुबह सुबह भागेंगे, सुबह आराम से आएंगे, पहले भाई आएगा कपिल भाई, आगे छोड़ देगा वो जल्दी जल्दी के चक्कर में। वो भी भूल गए हम हेलमेट, कभी ऐसे जो हमने पहनना रखा हेलमेट जिम पे भूल गए, निकाल के वहीं रख दिया था। और पुलिस वाले जा रहे हैं और हमें देख रहे हैं, हमारे चल रहे यार, होम साइड क्या कर रहे हैं ये पुलिस वाले। NH 24 पे मेन रोड पे हाईवे पे रॉन्ग साइड बाइक चला रहे, वाह क्या करे दुनिया का। हमें हमारे पास में कौन अच्छे मीटर जो हम पुलिस वालों को चलान काट दें जेनुअन तरीके से, है भाई। और क्या चला रहे रात का, कौन सी बात
मैं करो दिन का सुना दे रहा हूँ। अच्छी बात एक नंबर कैसे मूर्त रहा था मैं क्या एक नंबर मतलब मूर्त रहा था। चलो जी कोई दिक्कत ना, आराम से घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, क्या करेंगे, सो जाएंगे और क्या करेंगे। भाई कल बता क्या हुआ, कहाँ से गया मैं, मतलब तू तो बाइक से निकल गया पहले, कभी निकल गया मैं पीछे रह गया तेल डलवाने के चक्कर में। भाई घर गया, रोटी खाए, चाय पी और गिर गया सो गया, पता ही नहीं लगा कहाँ पड़ा हूँ, भयंकर। और आज पूरी बॉडी एक्टिव है, कभी तक थका नहीं है मुझे। हाँ पर कल ऐसी नींद कर जाते लंबे थोड़ी सोए हैं कल, पर हाँ अच्छी नींद हुई इसलिए रिकवर कर गए हम। आज इसी चक्कर में अपना घर के लिए निकल लिए, तो आप इंजॉय करो आप अपना टाइम लैप्स। और जी क्या हाल चाल है, चाबी निकाल दी उसमें मेरी, ठीक है ना, बैग में से निकाल दी, ज़्यादा ना बोल रही। ये किसके बन रहा बनना से, एक रात में और गैस करेगा फिर बोलेगा गैस बन रही है, बनाओ भी कचरी वचरी बनाओ। कपिल, कपिल जी ये क्या कहाँ से आया है, है तो बहुत इशारे। ओहो हमें ना पता ही, पता हो ये क्यों मारा, पहले किसने मारा, पहले किसने मारा है, खा मेरी कसम किसने मारा है पहले, पहले बताओ आपने देखा किसने मारा। कसम खा जा मम्मी के सिर्फ हाथ रख के ला, अभी पता लग जाएगा कब से, फिर ऐसा नाम लेऊंगा, ऐसी कसम खवाऊंगा, अभी ले देगी मम्मी। देख दे चेहरे पे से मैं नजारी देखा हो, दबा क्यों रही है हंसी, देख ये एक्टिंग में हंसी दबाई जा रही है, देख रहे हो मैं। अब सोच लो भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा, पता ना भैया आजकल भाई साहब बालक बड़े हो गए दिखे हैं, हम ही पता ना हमारा कब कलमा पड़ा जा, छोटे इनके ज्यादा बड़े बलिया में घूम रहा हूँ घर आते ही। फ्रीज में है ना कुछ खाने को बढ़िया, खाने को ढूंढ रहा हूँ भूख लग रही है, कुछ मिला नहीं। तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी काहे की नींद हराम कर दी मैंने, बताओ बताओ जल्दी आई जाकर देखा काम कर लेकर कुछ शर्म ना, बिल्कुल भी पता पूरे दिन का लौंडा खर्चा बाहर निकला हुआ और के जागरण कीर्तन करते रहो तुम, घूम जाएगी बत्तख से और तो कुछ नहीं। देख नू कह रही इसने चाबी निकाल दी, देखी प्राची ये देखिए, अरे यहाँ मत ना रहकर कपिल कंफ्यूज जा रहे चाह रही हूँ मैं। अच्छा हाँ भाई सुन, सुबह को जावे ना, देख बस यही तो चाहिए था, देखा घर का सुकून तो यही है, मक भगा कर खाओ क्या, ये क्या है, अच्छा बहुत बढ़िया भल्ली हाथ में देख लो,